हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। आज मैं आई हूँ थाईलैंड के बैंकॉक सिटी के मोचिट बस स्टेशन पर। यहाँ पे मैंने पटाया के लिए टिकट बुक करनी है एडवांस में, इसलिए मैं आज यहाँ पे स्टेशन पे आई हूँ। 2 दिन बाद मुझे पटाया जाना है, तो आप देख सकते हैं कि बाहर से बस स्टैंड कैसा दिखता है। यहाँ पे ये सब काउंटर लगे हुए हैं बाहर, बट हमें जो पटाया के लिए टिकट है वो अंदर से मिलेगी। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। अंदर से बस स्टेशन कैसा दिखता है हम देखते हैं। ये सामने सिटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग बैठकर अपनी बसेस के लिए वेट कर रहे हैं, और सामने काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ से हमें टिकट बुक करनी है। यहाँ पे ये 7-Eleven एक स्टोर है जहाँ से आप कुछ खाने पीने की चीजें अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो ये बस काउंटर है 48C जहाँ से आपको पटाया के लिए टिकट मिल सकती है। तो हम देखते हैं टिकट का क्या प्राइस है। हेलो मैम, हाउ मच प्राइस फॉर टिकट फॉर पटाया? 131। तो पटाया के लिए जो बस टिकट का किराया है वो है 131 baht, और आपको यहाँ से 48C काउंटर से पटाया के लिए टिकट मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बस काउंटर, और बसेस की जो टाइमिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सुबह 5 o'clock बसेस स्टार्ट हो जाती है, और जो कि इवनिंग 6 o'clock तक जाती हैं। और यहाँ पे लगेज के बारे में भी बताया गया है कि अगर आपके पास 20 kg तक का बैग है और हैंड बैग है तो वो आप इसमें लेके जा सकते हैं, बट अगर इससे ज़्यादा या एक्स्ट्रा आपके पास बैगेज है तो उसके लिए आपको पे करना होगा। यहाँ पे ये बताया हुआ है अगर आपके पास 21 से 25 kg है तो उसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो 20 baht है, और 26 से 30 kg है तो 50 baht है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पास में ही एक और मिनी बस स्टेशन है जहाँ से आप बस बुक कर सकते हैं। इस बस स्टेशन पर एवरी 1 hour or 2 hours के बाद ही बस मिलती है, बट एक और मिनी बस स्टेशन है जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे मिनी बस ही है और काफ़ी सारी बसें खड़ी हैं, और वहाँ से हर 15 मिनट बाद आपको बस मिलेगी। बट यहाँ पे जो पटाया जाने का जो बस का किराया है वो है 131 baht, और मिनी स्टेशन से अगर आप बस लोगे तो वहाँ का जो किराया है वो है 150 baht। तो वहाँ पे लिटिल बिट जो किराया है वो ज़्यादा है, बट वहाँ से जो बस है वो एवरी 15 मिनट्स बाद आपको मिल जाएगी। मैं आई थी यहाँ पे टिकट लेने के लिए, बट यहाँ पे मुझे एडवांस टिकट नहीं मिली, तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको टिकट सेम डे ही मिलेगी, तो फिर इसके लिए मुझे एडवांस टिकट लेनी थी। तो मैं फिर मिनी बस स्टेशन पे गई और वहाँ पे पता किया, तो वहाँ पे भी एडवांस टिकट नहीं दे रहे हैं, वहाँ से भी आपको सेम डे ही टिकट मिलेगी। तो अगर आप भी थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में हैं और यहाँ से पटाया जाने के लिए टिकट बुक आपको करनी है, तो अगर आप पहले मेरी तरह आओगे टिकट बुक करने के लिए तो आपका ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। तो आप सेम डे ही आएँ और टिकट बुक कीजिए। अगर आपको बस यहाँ से नहीं मिल रही है तो आप मिनी बस स्टेशन पे जा सकते हैं और वहाँ से भी बस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प भी हो सकती है, और आपको लगभग टिकट का क्या प्राइस है और क्या टाइमिंग है ये भी आइडिया हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।